मैं और नवाज साहब एक सोफे पर बैठे थे तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि सामने वाला सोफा काफी खुला है, यानी दो बंदे और भी बैठ सकते थे। हालांकि 3 सीटा वाला सोफा है, लेकिन नवाज साहब की बड़ी मेहरबानी है। मेरे पास में जी कुछ नाम नहीं है जब तक हमारे चंद साहब आते हैं, खासतौर पर हारिस भाई और ताहर भाई। ताहर भाई साहब से सिर्फ एक बात है, उनकी बात में ये मैसेज है कि मेरे वाल साहब आर्मी में थे, फौज के जवान, उसके अलावा कितनी सिफारिश है। इसीलिए आपको ताबाई मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, रोज वो बैट खाना पड़ेगा और बैट से बजाय आप क्रिकेट खेलें, घर के कपड़े धो रहे हैं, उससे शौक जो होती है ना वो मजबूत हो जाते हैं। अगर आप घर के कपड़े धोएंगे बैट से और फिर आपकी शौक मजबूत हो जाएगी, फिर हो सकता है आपकी सिफारिश ना हो, फिर आप हो सकते हैं अपने उसके ऊपर ही क्रेडिट के ऊपर ही अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर आ जाएं। और अहमद हसन साहब तो मेरे हेड हैं, अहमद हसन साहब कितने बैठे माशाल्लाह आए नहीं, बस देखो ना जी कितने कितने फिर पर जाए नहीं भी जा सकते। उनको मेरी तरफ से जो है मुबारकबाद पेश कर दीजिएगा, क्योंकि वो मौजूद नहीं है, परजाई ना मैं आप ही जाके अफसोस कर पाऊंगा, बल्कि परजाई सलूट करना चाहिए, मैं आपकी भैन को जाके सलूट कराऊंगा भी इना अरसा उन्होंने मेरे भाई अहमद हसन साहब को कटे। उन्होंने करना मुश्किल है, उधर आसान आदमी थोड़ी है, बंदा है बंदा किसी ना किसी दूर पैर रख के जाना सर, पर वो मौजूद नहीं है, कोई बात नहीं है। और बाकी जितने भी मेरे दोस्त यहां पर मौजूद हैं, आसम अहमद साहब माशाल्लाह मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और ये बड़े मेहनती और मुखलिस आदमी। मैं समझता हूं कि आज जो आपका ये ऑफिस है, जो आपकी ये जॉब है, ये काम है, ये इस नहज के ऊपर है, तो उसी वजह आसिफ भाई हैं, क्योंकि माशाल्लाह सिर पे तो जिम्मेदारी तो रही श्रोतियों को लोग समझते हैं किसी ने मोटरवे का नक्शा भी दिया। आसिफ भाई वर्ग के बंदे जगह ना जी, इन्होंने कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, लेकिन कभी कभी अचानक ना मजे श्रोते रो रहे हैं, तो कोई पूछे ना आसिफ भाई क्या हुआ, यार धोते मैंने कुछ मारा मुझे आप इसको करने का कोई इशू नहीं मिलने वाला, क्योंकि मुझे जितना इन्होंने मना किया था यार मेरे बारे में बचपन के बीच में जी हमारे मोहल्ले में एक बंदा था गड्ढा बेचता था, उसके पास में एक तस्वीर होती थी लगी हुई थले में एक लंबी की सीख लगी हुई थी, उसके हाथ ऐसे 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 मुसलमान आज मेरे फोटो याद हो गई है आसिफ भाई का चेहरा देख रहा है। हमारे जमाने में तो वही एक सबसे बड़ी गेम थी, उसी से खेलते थे। सो आसिफ भाई मुझे माफ कर दीजिएगा, हालांकि तुम जुटा करूंगा मतलब बहुत मैं यहां पर आपको सब कुछ नजर नहीं आ रहा है,
मुझे यहां से नजर आ रहे हैं, यहां से बंदा ठाना ना इकट्ठा हुआ तो यहां से इस तरह बताया आपके बारे में सब कुछ बताइए, जितनी भी मालूम मेरे पास है ये ना समझिएगा कि इन्होंने दी समय से गए। ये मैंने इनसे स्पेशल पूछा, मैंने कहा बात ये है कॉमेडी जो है वो कितनी हो सकती है, आपने कोई चैनल तो छोड़ा नहीं हुआ, प्रोग्राम आप देखते हैं सारे के सारे, क्योंकि सिनेमा ही नहीं हो पाते, अब कॉमेडी करना आसान नहीं है। मेरा जो प्रोग्राम है मजाक रात, ये जब प्रोग्राम चल रहे थे आपका भी बात साहब का, इतने 9 बजे की स्लॉट 11 बजे की स्लॉट पे प्रोग्राम चल रहे थे, तो किस तरह मुमकिन था कि हम डिफरेंट हो जाए, तब मैंने ये जितना भी वो उसका है कॉन्टेंट वो मैंने खुद रेडी किया था, मान जा सकता है वो पुलिस वाला कैरेक्टर, वो दुनिया में वो वाइट कैरेक्टर है जो वो बात कह सकता है जो पॉलिसी के अंदर नहीं होती, क्योंकि चैनल सारे के सारे पॉलिसी में होते, सियासतदान जो है वो जब आते हैं ना वहां पे वो इस तरह नहीं आते जैसे सियासतदान आपके हल्के में घूम रहे थे, ना 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 सलाम जी मैं क्या प्रोग्राम शुरू होने से पहले ठाकुर साहब ने मुलाकात हो सकी, डरे होते हैं वो घबराए होते हैं, तो ये ही गल करनी, क्योंकि उनको पता होता है कि हम चोर रहे हैं और उनको ये भी पता होता है कि इनको पता है कि हम चोर रहे हैं, उनको पता होता है डरे होते हैं, यानी मैं पुलिस वाले का रोल कर रहा हूं और राणा सनाउल्ला साहब बैठे हैं जब किरदार सामने बैठे हैं, जब मैं पूरी बात कर चुका कि वासी भाई कहने निर्दोरी साहब थोड़ी नौकरी पर गई, मैं क्या क्या हूँ जी कहने वजीर दाखला साहब राणा सनाउल्ला साहब बैठे, मैं क्या के बैठे मैं क्या ये दो नंबर नहीं मतलब दो नंबर की मतलब क्या, मैं क्या थोड़े प्रोग्राम के सारे बंदे दो नंबर होंगे, एक नंबर से बंदा कोई आता नहीं, मैं क्या तुम डमिया डुमिया करके पाई होंगे ने बंद बंदा कोई बोलो बंदा पूछ चीजा ला के राणा सनाउल्ला बन गए, ये मैं तो दो नंबर राणा सनाउल्ला साहब कहने मेरे अंदर एक जरा राणा सनाउल्ला, मैं कह सकती मैं दंदी वाले के बैठा मैं कहना मार दंदी, मैं अभी जी दंदी मारी मैं कह सर माफ कर देना गंदी हो गई है तुम दो नंबर फोन चुके मैं कहना वही मेरे बोले तेरा नंबर की है तेरी तो मैं नौकरी फाल करा, मैं कह सच तुम मजाक मैं तेरे नहीं करना तुम साढ़े बॉस हो तुम अच्छे आदमी हो तां पर मजाक करने हैं, कहने अच्छा मजाक कर रहे थे मैं तो हाँ जी फॉर्म रख दूंगा, मैं कह सर ये फोटो हो जाए क्या जी हो जाए, मैं क्या अपनी फोटो बनाई, मैं कहना मेरे को नहीं बनाऊंगी मैं तो साढ़े दो बजे आ ये बड़े घबराए थे राजा रियाज साहब, राजा रियाज साहब अंदर ही ना हो तो कभी पहले डॉक्टर साहब को बुलाओ, मैं बाहर गया मैं कि मसला सर की है सेम आसम भाई तरह घबराए, मैं क्या होया कहते यार मेरे सिर से बाल नहीं गए तुम अंदर जुदा करोगे फिर मेरे महल भी करेंगे मेरे वोटर भी करेंगे, मैं क्या सर नहीं करते आसम भाई ने मशवरा दिया कि तू की जाने सर तेरे दिन बाद उसे जाके इतने बेहतरीन उन्होंने बाल ला दिए मैंने भाई मुराद बना के भेज दिया, मैंने कहा तू की चले जाए बाल लगवा ले ना वो बाल लेंगे कितों ने, मैं क्या पिछु कट लेते इतने ला दो कहना नहीं बाल तो मेरे है नहीं, मैं क्या सच जिन्हें थोड़े बाल सीते हैं ना इन्हें तो मैं क्या नहाने लगिया साबुन भी लगे होंगे, कहने यार तेनों मैं समझा आया सब
तुम्हें शुरू हो गया। मैं कसम कोई गल नहीं आ जाए हम अंदर आए ना तो मैं कैसे कैसे पिया को कौन बना कर अस्तफुर ना हो गया किसी को भी बुले आ वो कहना मैं राजा ने आश्रम में मिलन गया तो मंजा पट्टे पा रहे सन डेढ़ घंटा मैं मंजा जो लगता रहा राजा साहब नहीं लगे पता ही लगे मज कि राजे साहब के अखीर साहब ने मंजा बाद राज शबाज शरीफ साहब आ रहे सवेरा हस्ते खेल के आ रहे मैं सुखी हुई उसमें कड़ा बनना है एक बात बस भी थे उन्होंने कहा इन्होंने प्रोग्राम से तुम जाना है तो मेरे इलाके में कहते ठाकुर साहब की होगा मैं कह सर जिस तरह का तो मूह है अफकोर्स जुड़ता ही हो मैं कहना मसलन की कहो मैं सर मैं कहूँगा तो मूह जिस तरह लकड़ का थोड़ा होगा मैं कहने अपना मूह वेख में चैनल की चुई होगी मैं सर आज भी तुम काम आ वो सीधे गए हमारे लुवाई साहब के पास जन नमान जा साहब उसको हमारे पर लुवाई साहब नमान जा साहब नमान जा साहब ने कहने यार मैं थोड़ा प्रोग्राम कराना लेकिन लंबी ना करन लंबी ना करन तुम्हें समाप्त कर मैंने कहने यार ठीक है मैं कह पाए मैं कह थोड़ा नीचे कर सकूँ तो मैं भी बकवास कर रहा मैं कह सर कुछ नहीं कहता पहले अब प्रोग्राम शुरू कर उनसे डर क्या है उनसे डर कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई नुकसान होता है नहीं अच्छे लोग हैं हमें उनसे डर था कि माइक तोड़ देते हैं अब माइक बचाने के चक्कर में मैंने कोई बात नहीं की जब प्रोग्राम काफी सारा गुजर गया तो मुझे नुमान इजाज साहब ने इशारा किया उन्होंने कहा खैर है मैं कह पाई ना इतनी तुझे जैकेट पाई ये किसी को नहीं कहते पाई हुई ये मैं कह तू आते भी हो कुछ गलत फिर पा नहीं कहने मेरे को दो दो जैकट कर एक मैं तो आ गया देखना पा रही मैं क्या पाए तुम 2000 लै सकते तो मैं क्या पैसे की कमी लख करोड़ रुपया है बड़े को मैं क्या बड़ा माल है मैं क्या साडा गरीबा यतीमा मस्कीना का भी थोड़े को ही है मैं क्या साढ़े तक तुम आने नहीं मिलते नमान जा साहब उन्होंने देखा कमी ना कर मैं सर एक सवाल और करा फिर भी करा दसो जी मैं कहते पक्के बूट पाए ना तेन दस साल लैने मैं वजीर वाला नहीं है मैं खादमे वाला मैं तो कभी की बनना पैदा मैं क्या वे मैं थोड़ी गल मान लीना और मैं ये बूट लोग पाते नहीं जिन्होंने बर्फों तो कुत्ते ना बने डर के अस उन्होंने करके माइक हाथ पाया मैं जंप मारे माइक फटाफट थलो बढ़िया तो उसके टिकट पोपो पोपो करके निकल गया मैं तो नहीं बजे थे बैठे थे हम लिफ्ट के पास खड़े हैं तो 30-35 घूमे फिर रहे हैं सिक्योरिटी अगर नाल कमांडो फिर रहे थे मैं उतर ही लेते क्रॉस है मैंने कहा नहीं और लगे ना कर दे और तू चली गई थी करना अगर संग में बड़े मियाँ साहब मैं क्या 5-10 दे रहा हूँ उन्होंने भी बड़ा फिक्के से गुजर दम दे उन्होंने जाता रात को मुझे कुछ 12:30 बजे अम्मा की पाला तो अम्मा जो थी मैं हिंदी उनके साथ वो हमारी भी अम्मा थी हम उनसे बिल्कुल रात को 2 बजे भी कॉल कर देते तो अम्मा के दिन मौका अम्मा कहने कितने बजे ड्रामा मुकड़े हैं मैं क्या अम्मा जी बस मुकड़ा लगी हमारे चाचू नवाज ने बुलाया किसी का मेरे पास मैं क्या अच्छे 1 बजे पहुंचे गेट तो इनके घर का है ना जी वहां से छीने मोड़ आते हैं फिर जाकर पार्टी करते यानी एक मुरब्बा के वैसे कुछ फिर देते थे गुआ चाहिए अब मैंने गाड़ी लगाई है तो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो आगे फिर बैठे अम्मा पीछे बैठी कहते ने आ गए थी बदबा मैं कह डरते ही आए तू मोबाइल ना भूल गए मेरा बड़ा बात मैंने कहते ने 500 कमांडो को लगता है मैं तो थोड़े वास्ते रुकता चाहते हो जानते भी नहीं अम्मा ने कहा अगले में फिर बकवास कर गया अम्मा कहने लगे आ गया मैं फिर ठाकर क्यों मेरे मुंडे को तंग कर रहा मैं कह अम्मा जी मजा बड़ा होता है अब वो घर के सैंतीस लोग हैं
बुलाया सबको, अम्मा कहीं जा रहा सारे बुला दे। अब वो सारे के सारे आ गए, नवाज शरीफ साहब के बच्चे, शिवाज शरीफ साहब के बच्चे, यूसुफ अजीज साहब उनके बच्चे, तीन माइक हमारे पास, तीन माइक उनको दिए। अम्मा कहने चलो भी मेरे सामने नाम पीछ करो। लुवाई साहब उसे जंग ला गए, अम्मा का आदर सी, तीन माइक साथी को मिलते उनके पर गया। भाई साहब एक लाख रुपये सफर बड़ा लंबा है, कोई 20 मिनट गुजरे तो हमजा शबाज साहब आ गया। मैं कह लाओ एक और नमूना आ गया कि मैं कह सोना सूट पाया बिलू कलर का, जच भी रहा है तो मूह मैं कह नौ नंबर से जाऊ। अम्मा इतने जोर से हसी, अम्मा मूड़े से गिर गए। अम्मा कहती बस चलो बेबी नु मारना जी। अब वो उनको कहा कि चलो भी जाओ काम करो जा लो। अब जब प्रोग्राम खत्म हुआ अम्मा ने मुझे अपने पास बुलाया। अम्मा हमसे बहुत प्यार करती थी हमारे बच्चों से। अम्मा कहती मेरे पुत्र पहला फाड़ एक सफेद लिफाफा मुझे दिया कि मेरे बच्चे हम कपड़े लैके दे सारे मेरी दादी ने लैके देते हैं। अब वो सफेद लिफाफा जब मैंने ऐसे खोला मैंने उस 5000 की नवी गत्ती जीरो की थी। मैं लफाफा सैंड रखे, मैं अम्मा ने गोल ही किया। अम्मा कहती भी की मेहनत है। मैं क्या अम्मा जी घर ही छाप दे। अम्मा कहती भी जा काम करने जाके उसकी तो मशीन लाई है। मैं क्या अम्मा जी सही तो गलत दसा कुछ कहोगे कभी कभी नहीं पुत्र। मैं क्या थोड़े मुंडिया ने तो मशीन ही लाइन है काफी भी मैंने सब छड़े। लवाई साहब जानी जाने चंद साहब आए हैं, चंद साहब अभी नहीं आए, जरा एक दफा पता कर लें ताकि चंद साहब आ जाए। चंद साहब को डरना कोई डाकू गोली नहीं मारता कि सारा मोबाइल आ गया ना बाहर है। चंद साहब फनकारों में सबसे एक डिफरेंट फनकार है। चंद साहब ने मेरे साथ बड़े सफर किए हैं अलहमदुल्ला, यूके यूरोप अमेरिका और कैनेडा के। कभी भी हम जैसे कुछ फनकार ऐसे हैं जिनकी वजह से हमें बड़ी मायूसी होती है कि फैमिली में आती, लेकिन अमान चंद साहब ऐसे अल्लाह ने फनकार बनाए क्योंकि सुहेल अहमद साहब के जो कि शागिर्द हैं इनकी वजह से फैमिली में बहन को कोई कॉन्फिडेंस होता है वो आ जाती है। और इंतहाई खूबसूरत सफर के भी अच्छे हैं, दोस्त भी अच्छे हैं और फनकार भी अलहमदुल्ला अच्छे हैं। उनकी ना रिकॉर्डिंग हो रही थी हंसते हाल। मैं जब आया था तो थोड़ी रिकॉर्डिंग जारी थी, मैंने फोन करके रिक्वेस्ट की थी कि भाई थोड़ी देर के लिए उनको भेज दें क्योंकि आसम भाई फिर चले गए, मेरे घर दूर निकल गए, पता उन्होंने लग गया सदा को। मियाँ आसम साहब तेरे ख्वाब ऐसे ऐसा पूरे हो गए माशाल्लाह। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आप मेहनत के साथ मोहब्बत के साथ काम करते रहे इस तरह, इसके लिए शर्त ये होती है कि आप जो काम भी कर रहे हैं वो खलूस के साथ करें, 100% प्योरिटी के साथ करें, आपकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता। और ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, ख्वाब आएंगे तो वो पूरे होंगे और आपका ये खाब पूरा हो जाएगा। लेकिन आपके लिए ना इसमें कम अज कम 35 साल इंतजार कर रहा। आपके सारे बच्चे देखेंगे, अब कितने बच्चे हैं माशाल्लाह, दो एक माशाल्लाह जिला पास मेरे बच्चे को सेहत काम रुचि दे, बस आप आज से अंदाजा लगा लेंगे पांचवा बच्चा देखेंगे। तब तक आपकी दाढ़ी और मुश्किल बिल्कुल हमारे शायर भाई की तरह होते हैं। सर आप दो मिनट तक वो चंद सब आते हैं आज और सुबह में हम नाते हैं आगे 5 मिनट में कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सर कहाँ है मेरे पास साजन भाई का कमरे का साजन भाई, पता लग गया कि हमारे चंद साहब लेट में।